everyone welcome to my channel so continuing with the chapter reaching the age of adolescence in the previous video we discussed about how sex determination in human is done so in the last video we discussed that ovum contain xx chromosomes where there are two types of chromosome in male that is xy right so if it is xx then the baby turns out to be girl and if it is xy it turns out to be boy now the today's topic is hormones other than sex hormones क्या हमारी बॉडी में और भी हार्मोन्स होते हैं जी हाँ हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं अकेले सेक्स हार्मोन्स भी नहीं होते हैं ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं सो दिस विल रीड टूडे राइट नाउ लुक एट द फिगर्स टेन पॉइंट थ्री द हॉर्मोन सीकिट बाय द पिचुटरी सिमटेमुलर टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देर हार्मोन्स यू हैव ऑलरेडी लर्न दट द पिचुट्री ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज़ अटैच टू द ब्रेन तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो है पिचुटरी ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को और ओवरीज को कि वो अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट करे राइट तो जो पिच्यूटरी ग्लैंड क्या है ये मास्टर ग्लैंड है तो so, कहाँ पर होता है इट इज़ इन द बेस ऑफ द स्कल जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट इज़ अटैच टू द ब्रेन

जैसे कि इसकी लोकेशन सब ग्लैंड की बताई है एंड दिस डायग्राम यू मस्ट नो सो द लेबलिंग कैन कम इन द एग्जाम जैसे एड्रीनल ग्लैंड इन्होंने किडनीज के ऊपर है ये है जो हमारा पेनक्रियाज है देन पोजीशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल जहाँ से जो है टेस्टो ईस्ट्रोजन uh, सीक्रेट होता है एंड टेस्टिस दैट सीक्रेट द

उसके बारे में ये दिस पीपल आर टॉकिंग लाइक देर आंट है टोल दैट काका सफ़रिंग फ्रॉम ग्वाइटर अ डिजीज ऑफ द थायरॉड ग्लैंड राइट सो काकाज थायरोयड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग दार्मोन थायरॉक्सिन तो जो थायरोड ग्लैंड है वो हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो थायरॉयड ग्लैंड है इट इज दी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ऑफअर बॉडी राइट ये जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और दूसरा अगर ये जो है इसका काम है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना तो किसी कारणवश अगर जो है थायराइड ग्लैंड जो है डिफेक्टिव हो जाता है अंडर अंडर फंक्शनिंग हो जाती है या हाइपर जो जरूर से ज़्यादा भी काम कर सकता है ज़रूर से कम भी काम कर सकता है लेकिन हर चीज़ जो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड तो हमें ऑप्टिमम अमाउंट हो हमारे जो हमारे ब्लड है वहाँ तो पर थायरॉयड की अमाउंट होनी चाहिए राइट तो कई बार हमने डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अपना थाइरायड लेवल चेक करवाएं क्या थायराइड जरूरत से ज्यादा तो नहीं है क्या थायराइड ज़रूरत से कम तो नहीं है यहां पे जो बात हो रही है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा राइट

चार्ट हंग ऑन wall ऑफ अर क्लिनिक आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर की क्लिनिक में ऐसे चार्ट बहुत बार टंगे होते हैं द आन टोल दैम दैट एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड Adrenals ऑल्सो प्रोड्यूस द hormone दैट इज adrenaline. राइट सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट guys. जो इंसुलिन किस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाई द पेनक्रियाज जबकि जो है किडनीज के ऊपर जो हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है वो जो है हमारा नॉर्मल जो करेक्ट सॉल्ट बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है तो एड्रिनल एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन एंड इट इज आल्सो नोन एज थ्री एफ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं फियर फ्राइट या फ्लाइट तो ये जो है इमरजेंसी हार्मोन है जैसे कि अगर आपने जैसे ये एग्जांपल एक, एक है गली में कुत्ता देखते हो तो आपके मन में जो है डर बैठता है एकदम से ठीक है तो या तो आप उस कुत्ते के साथ जो है फाइट करोगे तो या उस सिचुएशन से आप भाग जाओगे उन सब सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कि जो आपकी जो हार्ट बीट है एकदम से तेज़ हो जाएगी एंड यू बी बी गास्पिंग फॉर ब्रेथ को जो है आपकी सांस भी फूल जाएगी राइट नो इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस वेन वन इज़ एंग्री एम्बेरेस्ड और वरिड तो ऐसी सिचुएशन आप ने एग्ज़ाम से पहले भी देखी होगी जब जो पता नहीं होता कि हम पढ़े नहीं होते और ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम में आएगा क्या तब हमारी बॉडी है बॉडी है जो एड्रीनैलिन सीक्रेट करती है तो हमारा कई बार जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है ऐसे लगता है कि बैठे बैठे सांस फूल गया राइट नाउ वहाँ पे जो है एड्रिनेलिन का काम होता है राइट

Discuss in the next video. So यहाँ पे जो आपको बात याद करनी है कि जो एड्रीन है वो जो है आपका थ्री एफ हॉर्मोन है और पेनक्रियाज़ जो है हाँ पेनक्रियास इट सीक्रेट इंसुलिन इंसुलिन का मेन काम क्या होता है कि ब्लड शुगर जो है उसके लेवल को लो करना जब हम खाते हैं तो जो है हमारा जो हमारे ब्लड में जो है एकदम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो अगर इन जिन लोगों में पेनक्रियाज़ का जो है डिफेक्टिव होगा सो जो है वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उन लोगों को जो है डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है तो ये सब जो है